ओके, लेट मी प्रोसीड अहेड विद द क्लासेस। हम अभी तक के क्या कर चुके थे देखना। वी हैड डन बेसिक्स, वी हैड डन स्पॉट रेट YTM, वी हैड डन फॉरवर्ड रेट्स, वी हैड डन लिंकेज बिटवीन ऑल दीज, वी हैड डन द पार रेट पीस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल। इस आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, समथिंग कॉल्ड एज रोलिंग डाउन द यील्ड कर्व। इनफैक्ट इसी में आगे आ जाएगा, रोलिंग डाउन द यील्ड कर्व। अभी भले मत लिखिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक का हेडिंग है दैट इज फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल, इसका जो कल्मिनेशन, जो एंड जहां पे करूंगा मैं, दैट वुड बी फॉर रोलिंग डाउन द यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ कैरी ट्रेड एस्पेक्ट, टेक्निकल नाम है मेरे ख्याल से मैच्योरिटी कैरी ट्रेड, या ऐसा कुछ लिखा हुआ था बुक नाम, एक बार टैली कर लूंगा मैं। कैरी ट्रेड मान लीजिए बस अभी के लिए, ठीक है। ये कैरी ट्रेड एस्पेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउटराइटली मैंने पुराने वीडियोस में कभी डिस्कस नहीं किया एज सच। अगर इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क फ्रॉम कैरी ट्रेड एस्पेक्ट, तो कैंडिडेट से डेफिनेटली 101% श्योर बन गया होगा, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट रोलिंग डाउन द यील्ड कर्व में शो करते हैं वो एज इट इज अप्लाई करोगे और ये अगले एस्पेक्ट का कवरेज बहुत अच्छे से हो जाता है। बट सी बुक में ब्लेटेंटली लिखा हुआ था और 2008 के क्राइसिस के आसपास के साथ था, तो आई थॉट वी विल कवर इट इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, कॉग्निटिवली चैलेंजिंग अगर कोई एस्पेक्ट है लेवल टू में तगड़े वाला, तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ दोस। इनफैक्ट आई वोंट बी सरप्राइज, आई वोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल या मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक ऑफ लेवल टू। ठीक है, एंड एंड एटलीस्ट अगर अगर आप उसको बहुत अच्छे से मतलब नेल डाउन ना करें या श्वेजर से रट के अगर करना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा टॉपिक है, शायद मैनेज ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से ध्यान से बैठ के सुनिएगा, कोशिश करके ऑल योर अटेंशन ओवर हेयर। विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन। देखना एक बार, लेट्स से मैं आपको ना एक स्पॉट कर्व दे रहा हूं, स्पॉट रेट्स बता रहा हूं आपको, उससे फॉरवर्ड रेट्स डिराइव करने। लेट्स से दिस इज टाइम, इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। स्पॉट रेट इज लेट से 2.5%, 3%, 3.4%, 3.7%। कैन यू डिराइव डिराइव 1 ईयर फॉरवर्ड रेट फॉर मी, या फिर इनफैक्ट लेट मी से 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कर्व फॉर मी। कैन यू मीन बाय 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कर्व? इट मीन्स डिराइव F1,1, F2,1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करना एक बार, गिव इट अ शॉट। देखना, एक और क्वेश्चन दिया था, कंप्यूट द प्राइस ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर एटसीबी। जो फर्स्ट वाला एस्पेक्ट है, डिराइव द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कर्व, ये देख रहा हूं मैं पहले, इसे अभी साइड में रख देता हूं, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। हाउ वुड यू डिराइव द F11 वाला रेट? व्हाट इज दिस पीस? दिस इज 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, दिस इज 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, करेक्ट? अब देखना स्पॉट रेट्स कैसे चल रहे हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो दिस इज 2.5%, दिस इज 3%, दिस इज 3.4% एंड देन दिस इज 3.7%। ठीक है ना,
कैसे निकलेंगे रेट्स? ये वाला रेट कैसे निकलेगा? 1.03 स्क्वायर f11 दिस इज 1.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.025 माइनस 1, दिस इज कमिंग आउट एज 3.5%, आई हैव बीन टोल्ड. सिमिलरली f2.1, इट इज 1.034 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.03 माइनस 1, दिस इज कमिंग आउट एज 4.2, इज इट 4.2, 4.20, एंड देन द लास्ट पीस इज 4.60, करेक्ट? तो अगर मुझे इसके सामने ही प्लॉट करना हो, इफ आई जस्ट हैव टू प्लॉट दिस, देन आई विल से समथिंग ऑन दीज लाइंस. आई विल से I'll say this. I'll say the forward rate would be over here in front of 3. I would say it is F11. Just one second. एक सेकेंड रुको, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं एंड देन आई विल नोट इट डाउन फॉर यू. लेट्स से दिस इज परसेंटेज, दिस इज टाइम टू मैच्योरिटी. ये है 2.5%, ये है 3%, ये है 3.4%, एंड दिस इज 3.7%. दिस इज द स्पॉट कर्व. ठीक है, ये 2.5% क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है मुझे बताना. वॉट इज दिस 2.5% रिफ्लेक्टिंग? इट इज द स्पॉट रेट, इट इज द स्पॉट रेट. तो ये प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट किस टाइम फ्रेम का रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये वाला. यस नो? ये 3% किस टाइम फ्रेम का इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इंटरेस्ट रेट किस, ये 3% किस टाइम फ्रेम का इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है? दिस वन. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्पॉट रेट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बताना मुझे. ये स्पॉट रेट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये 1 ईयर का रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 2 ईयर का रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है. मतलब प्रैक्टिकली ओवर हेयर इट विल बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4. कुछ कैलकुलेशन गलत है कह रहे क्या? छोटा सा करेक्शन है. दिस F21 वुड बी कैलकुलेटेड एज 1.034 क्यूब एंड 1.03 स्क्वायर माइनस 1. ओके, टाइपो था मेरे एंड पे, टाइपो था मेरे एंड पे, सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा ओके, मैंने पीछे मैसेजेस इग्नोर हो गए थे मुझसे, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे से मैसेजेस इग्नोर हो गए थे, बट आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है, स्पॉट रेट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है देखना. इट इज रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर द प्रिसीडिंग टाइम पीरियड. ठीक है, अब मुझे बताना ये जो रेट है F11 3.5%, F11 3.5%. If I am saying that, let's say this is my forward curve. Let's say this is 3.5%. ठीक है. Next. It is coming out as 4.2%. Next, it is coming out as 4.6%. ये रेट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये तो नेक्स्ट 1 ईयर का रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है. यस नो? दिस इज रिफ्लेक्टिंग द नेक्स्ट 1 ईयर रेट.
आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? F11 इज रिफ्लेक्टिंग द 1 ईयर इंटरेस्ट रेट, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग दिस 1 ईयर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, F1,1. इधर आई कुड हैव टेकन दिस अप्रोच, इधर आई कुड हैव टेकन दिस अप्रोच, और आई वुड हैव सेड ओके लेट दिस बी 3.5% एंड देन आई वुड हैव सेड ओके इट इज रिफ्लेक्टिंग दिस 1 पीरियड. यस नो, देखना एक बार मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. मैंने ये कंप्यूट किया 3.5%, आई कंप्यूटेड दिस 3.5%. वॉट इज दिस 3.5%? इट इज द 1 ईयर इंटरेस्ट रेट आफ्टर 1 ईयर. तो आई कैन प्लेस इट ओवर हेयर एंड आई कैन से दिस इज F11. आई कैन से दिस इज F11, 3.5%, है ना. इधर आई कैन से दिस, आई कैन से ओके दिस इज 2.5%, तो दिस इज F0,1, करेक्ट. दिस विल बी 4.2% एंड दिस विल बी 4.6%. यस नो, जस्ट 1 सेकंड, दोबारा कर रहा हूं, देखिएगा. आई एम सेइंग दैट इधर आई कैन प्लॉट 3.5% ओवर हेयर एंड 4.2% ओवर हेयर और 4.6% ओवर हेयर. तो द रेट विल, द कर्व विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना. एंड दैट्स दैट्स व्हाट वी हैड डन यस्टरडे. मैं यहां से स्टार्ट करता था, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते थे क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सेम ही रहेगा. दिस इज व्हाट आई हैड डन. यस नो, दिस इज व्हाट आई हैड डन. एन ऑल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट ड्रॉज द सेम ग्राफ इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. देखिएगा क्या कर रहे हो. दे से दैट, वो बोल रहे हैं इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम है. इंटरप्रिटेशन वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझे बस थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, यूड बी सॉर्टेड. दे आर सेइंग दैट फॉरवर्ड कर्व क्या है बताना. द फॉरवर्ड कर्व इज द फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट इज द रेट सक्सीडिंग, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. मीनिंग F11 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 साल बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के लिए क्या रेट होगा. F21 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 साल के बाद, 1 साल का क्या इंटरेस्ट रेट होगा. F21, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेइंग ओके लेट अस बिल्ड इट ओवर हेयर. जस्ट 1 सेकंड, दिस वॉज द स्पॉट कर्व. लेट्स से दिस वॉज द स्पॉट कर्व. यहां पे रखो 3.50, यहां पे रखो 4.20, यहां पे रखो 4.60 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दे कीप इट ओवर हेयर. नाउ दे आर सेइंग दैट स्पॉट रेट पीछे वाले, व्हाट व्हाट यू कॉल, स्पॉट रेट वाज द रेट फॉर द प्रीवियस पीरियड एंड फॉरवर्ड रेट इज द रेट फॉर द सक्सीडिंग पीरियड. ठीक है ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. एनी विच वेज मुझे ट्रबल दोनों में नहीं है, मुझे ट्रबल दोनों में नहीं है. आपको इंटरप्रिटेशन समझ आनी चाहिए, दैट्स इट. मैं जो चीज पे फोकस करना चाह रहा था वो ये था कि फॉरवर्ड रेट क्या है. फॉरवर्ड रेट वो रेट है जो कि सक्सीडिंग पीरियड का होगा. इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू अ फॉरवर्ड पीरियड, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू अ फॉरवर्ड पीरियड. ठीक है ना, अभी तक के जो हम कर चुके हैं, जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो एक बार लिख दे रहा हूं. इट्स कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट मॉडल, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट्स कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट मॉडल. दिस पीस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट मॉडल.
ये था इजियर पार्ट, इसमें कोई फ्रिक्शन कोई फाइट नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है ना। इफ आई आस्क यू टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जेड सी बी, तो मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। वाई सो? बिकॉज यस वैभव ठीक लिखा है आपने। इफ आई आस्क यू टू कंप्यूट द 1 ईयर 2 ईयर जेड सी बी का प्राइस, इट वुड बी अगेन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखना एक बार, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ 1 ईयर जेड सी बी? जेड सी बी प्राइस, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.025, दिस इज कमिंग आउट एज 97.56, या 100 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, ठीक है चलेगा, 100 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 1.03 स्क्वायर, दिस इज कमिंग आउट एज 94.26। सिमिलरली 1.034 होल टू द पावर क्यूब होल टू द पावर 3, दिस इज कमिंग आउट एज 90.47, एंड दिस पीस इज कमिंग आउट एज 86.47, ठीक है ना। ओके दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। सुनना एक बार, अब जैसे आपने फॉरवर्ड रेट के बीच में रिलेशनशिप निकाला, फॉरवर्ड रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप था देखिएगा। यू सेड 1+S, 1+ पोर्ट्रेट 2 ईयर्स पोर्ट्रेट इज इक्वल टू 1+ पोर्ट्रेट ऑफ 1 ईयर इंटू 1+ फॉरवर्ड रेट ऑफ 1,1, हाँ या ना। 1+ पोर्ट्रेट ऑफ 3 ईयर्स, 1+ पोर्ट्रेट ऑफ 3 ईयर्स इज इक्वल टू 1+ पोर्ट्रेट ऑफ 2 ईयर्स होल टू द पावर 2। जस्ट 1 सेकंड, 1+S2 स्क्वायर करना चाहिए था। ओके 1+S2 स्क्वायर, 1+S3 क्यूब इज इक्वल टू 1+S2 स्क्वायर 1+F11, हाँ या ना। अच्छा एस क्यूब के बदले ये भी कर सकते थे क्या, 1+S3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू, यू कुड हैव ऑल्सो डिराइव दिस थिंग यूजिंग दिस 2.5%। मैं 3.4 की बात कर रहा हूं, 3.4% कैसे निकाल सकते थे? एक बार टू टू ईयर का स्पॉट रेट ले लेते और उसके बाद 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट ले लेते, या फिर 1 ईयर का स्पॉट रेट ले लेते फिर 2 ईयर का फॉरवर्ड रेट ले लेते, हाँ या ना। तो दिस कुड हैव बीन 1+S3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1+S1 होल टू द पावर 1 इंटू 1+F2,1 स्क्वायर। करेक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी बुक्स इसे एक बहुत ही वाहियात नोटेशन देती है, मैं लिख दे रहा हूं, 1+s a+b होल टू द पावर a+b इज इक्वल टू 1+spot rate a होल टू द पावर a इंटू 1+forward rate a,b होल टू द पावर b, ठीक है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, आई डोंट लाइक राइटिंग दिस नोटेशन। मेरे ख्याल से आपको लॉजिकली सारा का सारा समझ आता है, यू आर सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे इसमें। अगर मुझे मेरा ये इंटेंशन होता कि मैं आपको ये याद कराऊं, तो मैं ये आपको पहले लिख के देता और उसके बाद बोलता कि देखो ऐसा होता है, बट आई एम गोइंग इट, आई मीन आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग द अदर वे अराउंड। सर आप फिर ये बता ही क्यों रहे हो?
माई पास्ट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, इवन दिस अटेम्प्ट इट हैपेंड दैट पीपल वुड कॉल मी इन द लास्ट 1 week 10 days एंड देन दे विल टेल मी कि सी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या किसी एक दो क्वेश्चंस में ये नोटेशन यूज किया हुआ था और उनको बहुत ज्यादा ट्रबल कर गया. तो आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट फॉर यू सो दैट इट इज अल्ट्रा क्लियर. ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा गेम है नहीं इसमें, आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है. ठीक है जी, नोटेशन क्या यूज हो रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल एफ यूज हुआ है. स्मॉल एफ, द स्मॉल एफ इज फॉर फॉरवर्ड रेट, द स्मॉल एफ इज फॉर फॉरवर्ड रेट. ठीक है, अब देखिएगा. एक बार वापस इसी टर्म को देखते हैं. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले पोर्शन पे आ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. अभी छोटी छोटी चीज पे फोकस करते हैं. अभी लेट्स से मैं 2 ईयर और 1 ईयर स्पॉट रेट को पकड़ रहा हूं. मैंने ऊपर कुछ गलत लिखा है क्या? एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, छोटा सा मेरे से टाइपो हुआ था, देखिएगा. 1+S3 होल टू द पावर 3, मतलब ये 3.4 वाला रेट अगर मैं डिराइव करने की बात करूं तो मैंने बनाया ठीक था, डिस्कस सब कुछ ठीक किया, लिखते समय थोड़ा सा गलती हो गया था. इफ आई वॉन्ट टू स्पॉट दिस रेट यूजिंग दिस 2.5 पीस, तो इट विल बी 1+S3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1+S1 होल टू द पावर 1, एंड देन आई वुड से मल्टीप्लाइड बाय 1+F1,2. आई शुड हैव रिटन 1+F1,2 वेयर एज आई हैड रिटन 1+F2,1. तो वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, प्लीज करेक्ट दिस. मैं ये पीस मिस्टेक हुआ था जो मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया, प्लीज करेक्ट दिस, थैंक्स अलॉट. रुचिर इज द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु हैज स्पॉटेड दिस मिस्टेक, जेन्युइनली थैंक्स रुचिर, अप्रिशिएट योर इनपुट्स. ठीक है, ओवर हेयर, अगर मुझे क्या डिस्कस कर रहा था मैं, फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल. अब जो डिस्कस कर रहे हैं उसे कह रहे हैं फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल. मुझे एक चीज बताना, सेम जो फॉरवर्ड रेट मॉडल में सीख के आए थे एग्जैक्टली सेम चीज दोबारा कर रहे हैं, इज जस्ट दैट हम पहले रेट्स के एंगल से सीख रहे थे, नाउ वी विल लर्न इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द प्राइसेस. मुझे एक बात बताना, इन दिस वेरी सिनेरियो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अ 3 ईयर्स एचसीबी, 3 ईयर और व्हाट डू यू कॉल 2 ईयर वाले पे फोकस करते हैं. व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अ 3 ईयर्स एचसीबी, द 3 ईयर्स एचसीबी शुड कॉस्ट 90.47, है ना? इट वुड कॉस्ट मी 90.47, अ 3 ईयर्स एचसीबी इज गोइंग टू कॉस्ट मी 90.47. तो यहां अगर $100 मिलने हैं तो आई पुल इट बैक एंड इट विल कॉस्ट मी 90.47. ठीक है, और एक 2 ईयर्स एचसीबी ये क्या कॉस्ट करेगा, दिस विल कॉस्ट मी 94.26. ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग 100 एज द बेस, आई एम यूजिंग 100 एज द बेस, मीनिंग 100 रुपए का बॉन्ड 94.26 पे आएगा. तो अगर ये बॉन्ड 1 रुपी का होता, अगर ये बॉन्ड $1 का होता, मतलब अगर इसका पार वैल्यू $1 होता, तो दिस वुड हैव बीन 0.9426. यस नो? इफ दिस वुड हैव बीन अ $1 बॉन्ड, दिस वुड हैव बीन $0.9047, है ना? इसे ही, इसी को आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला करते थे पहले, अगर आपको ध्यान हो तो.
दिस पीस इटसेल्फ वॉज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इजंट इट। ठीक है ना, अब देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। इट सेज दैट इफ द सेम वे यू डिड दिस पार्ट, यू डिड दिस पार्ट, फॉरवर्ड प्राइस मॉडल क्या कह रहा है, जैसे आप ये कह रहे थे कि वन प्लस एस ए बी होल टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू वन प्लस एस ए होल टू द पावर ए इंटू वन प्लस एफ ए बी होल टू द पावर बी। सिमिलरली इट शुड बी प्राइस, इट शुड बी प्राइस एट टाइम टी। जस्ट वन सेक, नोटेशंस में ना मैं भी मिक्स होता हूं, जस्ट वन सेक। जैसे ओवर हेयर एक बार पहले निकाल ले रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू से दैट 0.9047, ये जो 3 साल का जो टर्म है इसका 0.9047, दिस आई कैन गेट बाय मल्टीप्लाइंग 0.9426। पहले इस यहां कंप्लीट कर लेते हैं फिर नीचे चलेंगे। 0.9426 मल्टीप्लाइड बाय एफ, कैपिटल एफ ए कॉमा बी, कैपिटल एफ ए कॉमा बी। तो कैपिटल एफ ए कॉमा बी क्या आएगा मुझे बताना। मैंने क्या किया, ये दोनों से मैं ये वाला का प्राइस निकाल रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फॉरवर्ड प्राइस एफ ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी। ये क्या है, दिस इज एफ 2,1, करेक्ट, एफ 2,1। और ये कितना आएगा बताना, दिस विल बी 0.9047 डिवाइडेड बाय 0.9426। व्हाट इज दिस कमिंग आउट एज, व्हाट इज दिस कमिंग आउट एज, 0.9 समथिंग ही आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों 0.9 0.9 दिख रहे हैं। ये दीज आर प्रीटी क्लोज नंबर्स। क्या आ रहा है बताएंगे एक बार, कोई 0.9047 डिवाइड बाय 0.9426, 0.9597 बता रहे मुझे कैंडिडेट्स, 0.9597। ये 0.9597 की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस। दिस इज द 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, मीनिंग ये तो हो गया नाम और इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये हो गया 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इट वुड बी वन कैन प्रॉमिस टू, वन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू बाय ऑब्लिक सेल अ 1 ईयर जेड सी बी आफ्टर 2 ईयर्स फॉर 0.9597। ठीक है ना, क्वेश्चन, व्हाट वुड द इन्वेस्टर गेन बाय बाइंग दी अबव जेड सी बी। ये जेड सी बी खरीद के इन्वेस्टर को मिलेगा क्या, ये बताओ। हाँ, व्हाट वुड इज गेन बी, कैंडिडेट ने पूछा है, वॉज द डिफरेंस। अच्छा ओके, पूरा ही ठीक ही लिखा है उन्होंने। द कैंडिडेट सेज आर दीज प्राइसेस नॉट जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द रिस्पेक्टिव रेट्स, वेरी मच यस। What's the difference between the F rate and the F pricing model? Practically no difference at all. Why the hell am I teaching it? It the CBook has the tendency to put a lot of questions from the perspective of forward pricing model. सर ये तो स्टूडेंट से नॉर्मली बहुत आसानी से बन जाता है, नहीं नहीं बनता है ये। पीपल कम बैक आस्किंग दीज वेरी डाउट्स। ठीक है, मुझे ये आंसर करिए ना, मुझे ये बताइए,
अगर कोई इन्वेस्टर आज से 2 साल के बाद 0.9597 में 1 ईयर ZCB खरीदता है, तो वो गेन क्या करेगा? वो गेन क्या करेगा? लेट्स से दिस इज टाइम जीरो, दिस इज टाइम वन, दिस इज टाइम टू, दिस इज टाइम थ्री. लेट्स से टाइम टू टू टाइम थ्री, ये टाइम फ्रेम देखना. 0.9597 पे ZCB खरीदा, यहां पे क्या पैसे मिलेंगे? वन. व्हाट इज हिज गेन? PV इज इक्वल टू -0.9597, FV इज इक्वल टू वन, FV इज इक्वल टू वन, I बाय सॉरी PMT इज इक्वल टू निल, N इज इक्वल टू वन, कंप्यूट I बाय Y. कंप्यूट आई बाय वाई कितना आएगा? ये 4.2%, और ये तो आना ही था. ये 4.2% क्या है? ये 4.2% क्या है बताना? दिस वॉज 4.2%, ठीक है ना? और यही तो बात यहां पे देखना बोली थी कि व्हाट वुड यू द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल एट अ फॉरवर्ड पीरियड, ठीक है ना? तो अगर F21, अगर कोई 2 साल के बाद, अगर कोई 2 साल के बाद 1 साल का, इफ एनीवन बाइज अ ZCB आफ्टर 2 इयर्स, इफ इफ एनीवन बाइज अ 1 ईयर ZCB आफ्टर 2 इयर्स, तो उसको क्या रेट मिलने वाला था? F2,1. ये तो 4.2 ही निकाला था आपने, यही इंटरेस्ट रेट उसको मिलने वाला था. तो बिल्कुल यही आंसर भी यही आना ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे. तो ठीक है, आर यू विथ मी ऑन दिस? यस नो? देखना एक बार, ये मिटा दे रहा हूं मैं, जस्ट वन सेकंड. ये जो 0.9047, 0.9426 था, इसे क्या कहते हैं? देखिएगा, दिस इज कॉल्ड पी. P2 इज 0.9426, P3 इज 0.9047, ठीक है जी? अभी P3 मैंने कैसे निकाला था? मैंने निकाला P2. आई सेड P3 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल F 2,1, ठीक है ना? तो मैंने निकाला P A प्लस B इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ए कॉमा बी, ठीक है ना? ये देखना, ये रिलेशनशिप अब सिमिलर दिखना चाहिए आपको. ठीक है जी, द रिलेशनशिप शुड अपीयर सिमिलर टू यू. ठीक है, और ये सिमिलर क्यों नहीं दिखेगा? ये प्राइस ए प्लस बी, प्राइस प्राइस ऑफ अ ZCB टुडे, द प्राइस ऑफ दिस ZCB टुडे 0.9047, ये आया कैसे देखना? P3, एक बार मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, ये 3 साल का ZCB. एक चलो ठीक है, इसको मैं प्रॉपर नोट्स में लिखवा देता हूं. अभी तक की कोई फ्रिक्शन है तो बताइए, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. देखना, एक रिकंसिलिएशन दिखा रहा हूं, ये रिकंसिलिएशन, देखना. टाइम जीरो, टाइम वन, टाइम टू एंड टाइम थ्री. $100 का ZC, मतलब $100 अगर आपको मिलने थे ZCB में, तो उसका आज का क्या भाव है? 0.9047.
0.9047, ये कैसे निकाला आपने, ये कैसे निकाला? यू सेड 100 डिवाइडेड बाय 1.034 होल क्यूब, करेक्ट? 100 डिवाइडेड बाय 1.034 होल टू द पावर 3। अगर आपको 3 साल का 90.47, ये कैसे निकाला है आपने ऐसे? अगर आपको 3 साल का स्पॉट रेट ना पता हो तो आप ये कैसे निकाल सकते थे? यू कुड हैव डन इट बाय 100 डिवाइडेड बाय ये 3 साल पीछे, और कैसे लेके आ सकते थे आप? यू कुड हैव सेड 1.03 स्क्वायर इनटू F2,1, एंड व्हाट इज F2,1? व्हाट इज F2,1? इट इज 4.2, यस नो? सो यू कुड हैव डन इट बाय 1.03 स्क्वायर इनटू 1.042, 1.03 स्क्वायर इनटू 1.042, ठीक है ना? या फिर यू कुड हैव डन इट बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.025 इनटू F1,2। F1,2 निकाला था क्या? F1,2 ये निकाला था क्या? इफ नॉट तो प्लीज एक बार फटाफट कंप्यूट करना मेरे लिए। 1.034 क्यूब डिवाइड बाय 1.025 माइनस 1, ये कितना आ रहा है बताना? होल टू द पावर 1/2 माइनस 1, यही होगा ना? ये कितना आ रहा है बताओगे एक बार? F1,2 ये कितना आ रहा है? 2,1 नहीं पूछ रहा हूँ, 1,2 पूछ रहा हूँ। 1.025 इंटू 1 + F1,2 इज इक्वल टू 1.034 क्यूब। हाँ ये कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट एज 6.44%। क्या बात कर रहे हो, इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। 1.025 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 + F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.034 क्यूब, 3.6 आ रहा है। ओके 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 यार, चार अलग अलग आंसर दे चुके आप लोग। दिस इज कमिंग आउट एज 3.85%। हाँ मैंने खुद कर लिया, ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, 3.85%। या फिर दिस वुड बी 1.025 मल्टीप्लाइड बाय 1.0385 स्क्वायर। ये प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इस केस में? अगर मैं इस केस में अगर मैं ये 100 100 को उड़ा दूं, 100 को उड़ा दूं, ये जो चल रहा था ये क्या था? ये क्या था? जब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही ले रहा था, जब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को ले रहा था, 1.034 क्यूब इज इक्वल टू 1.03 स्क्वायर इंटू 1.042 इज इक्वल टू 1.025 इंटू 1.0385 स्क्वायर, ये क्या था? दिस वॉज फॉरवर्ड रेट मॉडल। अब प्राइसिंग मॉडल में क्या कर दिया है? सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर न्यूमरेटर लगा दिया है, 100 ओवर या 1 ओवर, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है? दिस हैज बिकम अ फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल, यस नो? इंडिविजुअली जब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहा था, इट वॉज अ फॉरवर्ड रेट मॉडल, जब पूरा का पूरा देख रहा हूं, दिस हैज बिकम अ फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल। आर यू विथ मी सो फार और नॉट? सर हमें तो बहुत इजी लग रहा है, परफेक्ट है दोस्त, आई अप्रिशिएट। कि आपको इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे चलते हैं फिर। एक सेकेंड रुकना, सॉल्व करना है इसे। कैपिटल F3,2 इज इक्वल टू 0.85, कंप्यूट स्मॉल F3,2, निकालना एक बार ये। दिस इज F3,2 इज इक्वल टू 0.85, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज से 3 साल के बाद, time 3 एंड दिस इज time 5, आज से 3 साल के बाद एक ZCB आपको 0.85 का मिल जाएगा, ठीक है?
और वो आपको एंड में 1 रुपी देगा। तो इन दोनों के बीच का रेट निकालना है। तो ये क्या होगा, दिस इज 0.85 × 1 + r² = 1। ये कर लेंगे आप, आर आ जाएगा इससे, या फिर पी वी इज इक्वल टू 0.85 - एफ वी इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, पी एम टी इज निल। कंप्यूट आई बाय वाई, यस नो। एक बात बताना, इफ द यील्ड कर्व, यील्ड का मीनिंग स्पॉट कर्व, इफ द स्पॉट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इफ द स्पॉट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, द प्राइस कर्व वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखना एक बार, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, दिस इज अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। अब 1 ईयर वाला जो 1 ईयर वाला पी पी वन होगा, द पी वन वुड बी दिस वन, पी टू वुड बी ओवर हेयर, पी थ्री वुड बी ओवर हेयर। तो ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सर हमें ये सब कुछ इजी लग रहा है। ओके परफेक्ट, अमेजिंग, इफ यू फाइंड इट इजी, परफेक्ट, मेक सेंस, वेरी इजी, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार इस पे नंबर्स डाल लेते हैं बस। सो व्हाट हैव आई डन ओवर हियर, आपने एक किया, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपने इसमें स्टेप वन किया था, दिस वाज स्टेप वन, आपने फॉरवर्ड रेट्स फाइंड किए। स्टेप टू वाज फॉरवर्ड रेट मॉडल देखा। स्टेप थ्री ये इंटरप्रिटेशन देखी। स्टेप फोर ZCB के रेट निकाले। स्टेप फाइव फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल देखा। स्टेप सिक्स ये कंक्लूजन था आपका। स्टेप सेवन इज दिस पीस, या एक सेकेंड रुको, इसको 5A बोल देता हूं। दिस वॉज 5A, दिस वॉज 6, ठीक है। स्टेप 8 इज द रिकंसिलिएशन। स्टेप 9 पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको, ठीक है। और स्टेप 10 पे आपने ये मैपिंग की है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। दिस इज इट, दिस इज इट। इस वीडियो में और कुछ नहीं है, इतना ही है। ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहा हूं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, इट विल बिल्ड ऑन टू दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी फ्रिक्शन रहेगा तो अगले वाले में थोड़ा सा ट्रबल आना चाहिए। बट यस, आई हैव बीन टोल्ड कि हमको तो ये बहुत ईजी लग रहा है, तो परफेक्टली फाइन। ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग आउट अ ग्राफ ओवर हेयर। मुझे एक चीज बताना, ये मेरा स्पॉट कर्व, टाइम वन यहां कमाया 2.5%, टाइम टू यहां पे कितना आ रहा था, स्पॉट रेट कितना था, 3%।
3 और हेयर इट वाज 3.4%। मुझे एक चीज बताना, टाइम 1 2 3, टाइम 1 2 3, एक बार मैं इसके हिसाब से ZCB के प्राइजेस लिख रहा हूं, मैं ZCB के प्राइजेस लिख रहा हूं, टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। लेट्स से अ ZCB कॉस्ट $1 ओवर हेयर, लेट्स से अ ZCB कॉस्ट $1 ओवर हेयर, व्हाट शुड इट्स प्राइस बी एट टाइम 0? जीरो पॉइंट 9047। यस नो? अगर एक ZCB है जो $1 देने वाली है आपको एट टाइम 3, वो टाइम 0 पे क्या देने वाली है? जीरो, मतलब टाइम 0 पे उसका क्या भाव होगा? इट विल बी 0.9047 ही करके आए थे अभी। मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल इट्स रिटर्न बी इन द वेरी फर्स्ट ईयर? इन द वेरी फर्स्ट ईयर व्हाट विल इट्स रिटर्न बी? व्हाट विल इट्स रिटर्न बी इन द वेरी फर्स्ट ईयर? आंसर करेंगे व्हाट, मीनिंग व्हाट वुड इट्स प्राइस बी आफ्टर 1 ईयर? इसका प्राइस 1 साल के बाद क्या होगा? दो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, ये $1.9047 तो देखो आपने यही निकाल लिया था, ठीक है ना, 0.9047 निकाल लिया था। अगर एक 3 ईयर ZCB हो $1 का, तो टाइम 0 पे कितने का होना चाहिए? 0.9047, ये आपने पहले ही निकाल लिया था। सेम चीज दोबारा दिखाया मैंने आपको, मैंने कहा ये 0.9047 का ZCB हो गया, मान लिया मैंने। मुझे बताओ इसके 1 साल बाद का प्राइस क्या होगा? व्हाट विल इट्स प्राइस बी आफ्टर 1 ईयर? एक कैंडिडेट ने कहा 0.9354, एक कैंडिडेट कह रहे हैं 0.9273। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया 0.9273। कैसे निकाला है 0.9273 बताएंगे? हाउ डिड यू कंप्यूट 0.9273? सर ये 2.5% इसका रिटर्न आएगा पहले साल का, 2.5% से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, व्हाट वुड इट्स प्राइस बी आफ्टर 1 ईयर? तो यहां पे क्या आएगा, 0.9273। इसने कमाया कितना है? इसने कमाया है आपके हिसाब से 2.5%। आई एम डिस्कसिंग इवोल्यूशन ओवर हियर। तो आप मुझे इसका अगला प्राइस भी बताओगे और इसका अगला रेट भी बताओगे, कितना पैसा कमाएगा ये और टाइम 2 पे क्या भाव होना चाहिए? व्हाट शुड इट्स प्राइस बी? एक कैंडिडेट ने कहा 0.9551, अनदर कैंडिडेट सेज 0.9597। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे, ये तो इजी टॉपिक है यार, ये तो बन जाना चाहिए सबसे। अ कैंडिडेट सेज 0.9551, अनदर कैंडिडेट सेज 0.9597। ओके, फोर डिजिट्स तक बताइए प्लीज, फोर डिजिट्स। देखना एक बार। ओके, इस पे ना दो आंसर्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया 0.9551, ठीक है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई पॉज द रिकॉर्डिंग, व्हेन आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, तो आई विल एज्यूम दैट मैंने इसके पहले कुछ नहीं बोला है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कुछ, मतलब इफ आई वुड हैव रिकॉर्डेड इट अगेन, सॉरी 2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे आपके, बट अगर नहीं रिकॉर्ड किया हुआ तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सुनना, ये स्पॉट रेट्स हैं 2.53, 3.4 एंड 3.7। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट इफ अ ZCB इज कॉस्टिंग $1 ओवर हेयर एंड यू नीड टू फाइंड द प्राइस एट टाइम 0, इसमें तो कोई चैलेंज था ही नहीं। ये कैसे निकाला है आपने? ये आपने निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1.034 होल टू द पावर 3। सो यू कंप्यूटेड दिस यूजिंग दिस मेथड, 1 डिवाइडेड बाय 1.034 होल टू द पावर 3।
अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो जेड सी बी 0.9047 का है, द जेड सी बी प्राइस इज 0.9047 एट टाइम जीरो, व्हाट शुड इट्स कॉस्ट बी, इसका भाव क्या होना चाहिए एक साल के बाद, एक साल के बाद इसका भाव क्या होना चाहिए, इस एक साल में इसने क्या कमाया होना चाहिए बताना, इस एक साल में इसने क्या कमाया होना चाहिए, 2.5%, ये वाला 2.5% होगा क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, वुड दैट बी स्पॉट रेट 2.5, इन अ वे यस, इसने 2.5% कमाया होगा, या फिर अगर मैं बोलूं तो इसने F01 कमाया होगा, F01 कितना है, F01 इज 2.5%, सो इट वुड हैव मेड 2.5% इन दिस ईयर, ठीक है ना, 2.5% कमाया होगा, कितना आ जाएगा ये 0.9047 इंटू 1.025, This is coming out as 0.9273, ठीक है जी, इट इज कमिंग आउट एज 0.9273, दिस इज फाइन, सेकेंड ईयर में क्या कमाया हुआ इसने, व्हाट वुड इट मेक आफ्टर, मतलब व्हाट वुड इट मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, अब देखना अब आपको क्लिक होगा, व्हाट वुड इट मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, ये तो F11 ही तो है, F11 कितना आया था, F11 पिछले वीडियो से, व्हाट वाज F11, F11 वाज 3.5%, सो इट वुड मेक 3.5% इन दिस ईयर, यू डोंट नीड टू कंप्यूट इट, यू नो इट, दिस वुड बी 3.5% इन द फॉर दिस ईयर, एंड व्हाट वुड इट्स प्राइस बी, व्हाट वुड द प्राइस बी, The price would be 0.9273 into 1.035. The price is 0.9598, 0.9597, whatever you are getting. अब तो मेरे ख्याल से क्लियर ही हो जाना चाहिए. What would it make for 1 year? What would it make for 1 year after 2 years? This piece 4.2%. Yes, no. दिस होल पीस, दिस मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, ये पूरी की पूरी जर्नी को ही कहते हैं फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, दिस पीस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, एक कैंडिडेट ने कहा सर ये तो बस टाइमलाइन ऑफ प्राइसेस बनाना हुआ, आप बना पाए थे, हाँ 70% ऑफ द पीपल गेव द रॉन्ग आंसर, आई बी ऑनेस्ट व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मैंने गलत किया था इन द सेंस आई वाज आई ट्रिप्ड, असली कि क्या बोल रहा है यार ये, कैसे मेरा तो ये इंटेंट, मेरा तो ये आंसर था कि यार ये पूछ ही क्या रहा है, मतलब ये तो निकाला ही कैसे जाएगा, एंड देन आफ्टर डिलिबरेटिंग फॉर 5-10 मिनट्स आई थॉट अरे यार क्या स्टूपिड हूं मैं, दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई शुड हैव गॉटन इट, बट आई शुड हैव गॉटन इट एंड यू गॉट इट इज डिफरेंट ना, तो यहां पर ट्रिक क्या है, ट्रिक या लॉजिक वॉट एवर यू कॉल इट, थिंक वॉट यू नीड टू मेक, आफ्टर 1.2.3 ईयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, अब देखो ये लिखने में प्रॉब्लम होती है मुझे, अगर मैं ये बोलूंगा ना कि व्हाट वुड यू मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स, या व्हाट वुड यू मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, तो एकदम ठीक पकड़ में आएगा,
एक सेकंड रुकना, इसको ठीक, सॉरी यार, सॉरी, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं अपनी लैंग्वेज को, जस्ट वन सेकंड, आप कट कर दीजिए, जेनुइनली सॉरी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मुझे काटना पड़े कोई भी पॉइंट, बट सॉरी, आई वांट टू मेक द नोट्स नोट्स रोबस्ट, उसकी वजह से हो सकती है प्रॉब्लम। व्हाट वुड यू मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर? F1,1, व्हाट वुड यू मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स? F2,1, सिंपल, इतना ही तो है। एंड व्हाट वुड यू मेक फॉर 1 ईयर आफ्टर 0 ईयर्स? तो दिस इज F0,1। तो दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, करेक्ट? कैंडिडेट ने मुझसे पूछा कि सर ये जो आप पूछ रहे थे ना, हर महीने हर साल कितना पैसा कमाओगे, ये प्राइस को इवोल्यूशन, इस प्राइस का इवोल्यूशन करके दिखाओ, ये जो आप पूछ रहे थे, दिस कुड हैव बीन डन विदाउट कंप्यूटिंग द फॉरवर्ड रेट्स, आप डायरेक्टली स्पॉट से कर सकते थे। तो पहले साल में 2.5% से ग्रो करते, 2 साल में आप स्पॉट रेट से ग्रो करते 3% पे, तो यू कुड हैव डन 0.9047 इंटू 1.03 स्क्वायर एंड यू वुड हैव गॉटन 0.9597। 0.9597 को एफ वी रखते, 0.9273 को पी वी रखते, एन को 1 रखते, तो 3.5 आ जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री, दिस कुड हैव बीन डन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट मैं बोल रहा हूँ वहां तो कैलकुलेट करना पड़ रहा है, यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो अगर आप लॉजिकली सोचो, अगली बार अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन दूंगा तो आप कुछ करोगे ही नहीं, आपका दिमाग डायरेक्टली ये काम करेगा कि आगे चल के हर साल में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न उस साल का फॉरवर्ड रेट ही तो होता है। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मच मोर लॉजिकल या मच मोर इंट्यूटिव, आई वुड से। वो पहली बार में तो थोड़ा सा अटक जाते हो, बट अदरवाइज नॉट। F01 इज द स्पॉट रेट फॉर S1, राइट? बैंक ऑन, करेक्ट, ठीक कह रहे हैं आप। सर प्लीज एक्सप्लेन द कैलकुलेशन पार्ट वंस अगेन। 2.5, 3.5, 4.2 तो आपको आता ही है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 0.9273 को 1.035 से मल्टीप्लाई किया है, 0.9047 को 1.025 से मल्टीप्लाई किया है, और इसे 1.042 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, कैंडिडेट ने डाउट पूछा, डाउट इंटरेस्टिंग था तो आंसर कर रहा हूँ, देखना। कैंडिडेट ने कहा सर एक बात बताओ, यहाँ आपने $1 से 0.9047 निकाला, मैंने कहा ठीक, वो तो कह रहे हैं फिर आप एक साल आ गया है 0.9273 निकला, फिर एक साल आ गया है 0.9597 निकला, इसे ये 0.9597 मुझे कहीं और भी ध्यान आ रहा है, आपने पीछे भी निकाला था F2,1, देखो 0.9597, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ क्या किया था देखना, 3 साल के ZCB को डिस्काउंट मारा 0.9047 आया, 2 साल के ZCB को डिस्काउंट मारा 0.9426 आया, इससे F21 निकाला। यहां क्या बोल रहा था मैं, यहां ये बोल रहा था कि अगर 2 साल के बाद एक ZCB खरीदूं जो कि 1 ईयर का हो, इफ आई बाय अ 1 ईयर ZCB आफ्टर 2 ईयर्स, देन व्हाट शुड इट्स कॉस्ट बी, इट्स कॉस्ट शुड बी 0.9597, तो मैं आज कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मैं 0.9597 के भाव पे 1 ईयर ZCB खरीदूंगा आफ्टर 2 ईयर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर कर सकता हूं। यहां क्या बोल रहा हूं कि अगर ये जो रेट, ये जो 0.9047 निकाला है, अगर ये प्राइस पकड़ू एक ZCB का, तो अगले 3 साल में क्या भाव होगा, 0.9273, 0.9597 एंड $1, ये इस तरीके से मूव करना चाहिए। कब ये कब मूव करेगा, आज की डेट पे मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस होंगे आफ्टर, मतलब ये एक्सपेक्टेड प्राइस होगा ZCB का एट टाइम 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आई होप इट क्लैरिफाइज, कोई और डाउट है तो प्लीज पूछिए, और एल्स आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, दिस वाज फॉरवर्ड प्राइस इवोल्यूशन, ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।